वेलकम बैक गाइस। सो आपने मेरे पहले पार्ट में देखा था कि हम लंदन से चल के वेमाउंथ गए थे एंड देन वहाँ से हम चलकर डलडलडोर की ओर आए थे। सो फाइनली वी आर एट द पॉइंट जहाँ से डलडलडोर का रास्ता स्टार्ट होता है। सो आप पीछे देख रहे हैं कि अभी 10-15 मिनट्स का वॉक बाकी है डलडलडोर बीच के लिए। थोड़ा चढ़ाव उतार वाले रास्ते हैं, वो सब खत्म करके नीचे बीच की ओर चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही ढलान वाला रास्ता है और आराम आराम से यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप सामने देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी दिख रही है वही मेन पॉइंट है। सो वहाँ तक जाने के लिए हमें इस रास्ते का यूज़ करना है और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। सामने देखिए, बट द अमेजिंग व्यू आप पूरा देख सकते हैं। और केवल भाई, अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का कुछ प्लान नहीं, अभी वहाँ नीचे जाएंगे। आगे का यही प्लान है कि नीचे जाएंगे हम, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ा नहा भी लेंगे बीच में। स्विमिंग आती है तुझे? स्विमिंग? हाँ, स्विमिंग तो आती है उसमें। हाँ तो तुम्हें बचा ले, तुम्हें बचा लेना, हमें किसी। मैं आऊँगा तोड़ तोड़ के। हाँ, तोड़ तोड़ के आना तू। सो फाइनली हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पे बीच की ओर जाता है। भाई साहब, पैसा वसूल व्यू है, क्या मस्त व्यू है। एक तरफ है हमारा यहाँ पे पहाड़, ये देखिए, और ये है समंदर। पानी देखिए, कितना साफ पानी है, कितना साफ पानी है। और ये निर्मल भाई पानी लेके चल रहे हैं, टेस्को का पानी। ये सीढ़ियाँ उतर रहे हैं हम यहाँ की, बहुत डेंजर सीढ़ियाँ हैं, पर थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है। ये पुरानी सीढ़ियाँ यहाँ पे थी, यहाँ से ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, पूरा सीधा यहाँ पे नीचे थी, बट अभी ये थोड़ी नज़दीक है, ये थोड़ा घुमा के लेके आए ये लोग। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है द फेमस डलडलडोर बीच का मेन पॉइंट। यहाँ पे सब लोग फोटोज़ और ये सब खिंचवाते रहते हैं, और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा। और ये यूके का सबसे फेमस बीच है, बहुत सारे लोग यूके आते हैं तो ये बीच विजिट करते ही करते हैं। फर्स्ट बीच जो है वो ब्राइटन था, ब्राइटन ऐसा है कि वो वन डे ट्रिप जैसा है,
बट इस बीच पे आने के लिए आपको स्पेशल टाइम लेके आना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा दूर है लंदन से। मतलब अगर आप यूके आए और ये बीच की विजिट ना करें, आपकी जो यूके यात्रा है वो सफल नहीं होती, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग। बट ये बीच तो आपको विजिट करना ही चाहिए। सो इस बीच का नाम है डल डल डो। इस बीच का नाम क्यों पड़ा कि यहाँ पे डल डल था और फिर ये बीच डल डल डो बीच के नाम से जाना गया। ये तो जस्ट मैं ऐसे ही बोल। तो दोस्तों अभी हम जो फेमस डल डल डो बीच पे हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। सो लाइक हम यहाँ पे आ गए थे 9 बजे, तब यहाँ पे कोई नहीं था, लाइक बहुत थोड़े बहुत लोग ही थे। बट अभी तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सब स्विमिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग पार्टियाँ करने आए हैं, तो मतलब टेंट वेंट और सब पार्टी का सामान वामान सब लेके आए हैं। दोस्तों तो अभी हम लोगों ने मतलब बीच में हमने सब लोगों ने नहा लिया है और थोड़ी बहुत सन बाथ भी लिया है। अभी मतलब कोस्टल लाइन में ही आगे घूम रहे हम, क्योंकि आगे ऐसा ही एक डलडल डोर जैसा ही एक मस्त पॉइंट है, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग और वहाँ पे भी देखते हैं कि कैसा लग रहा है। नज़ारा एकदम मस्त था। ये जो सामने आप जो शिप देख रहे हैं, कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसा पैकेज लिया है तो वो पूरा मतलब कोस्टल लाइन आपको घुमाएंगे वाया दिस शिप, तो मतलब इसमें आप बैठ के पूरा ये सब घूम सकते हैं और यहाँ का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। और ये हम गए थे जब कल हम जिस क्लिप पे रुके थे, ऐसी क्लिप्स भी यहाँ पे भी है, सो लाइक बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो ऐसे हॉल भी है तो इसमें लोग बैठ जाते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो यहाँ के वेकेशंस में मोस्टली ये लोग करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे समर्स बहुत फेमस है इन सब स्पॉट्स के लिए, सो समर में मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी वेकेशंस मनाने के लिए ऐसे ऐसे स्पॉट पे चले जाते हैं, तो वो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ इस तरह से। अपने इंडिया में तो कैसा है कि भाई चलो एंजॉय करने के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि चलो हम वहाँ पे भी चले गए, दोस्तों भी जल्दी मिल जाते हैं कि भाई चलो शाम को फ़ोन किया तो आ गए दोस्त भी। बट यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, तो लोग ज़्यादातर ऐसे समर्स की छुट्टियों में प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि समर्स में सभी लोगों के पास छुट्टियाँ होती हैं और समर्स में सब प्लान करके ऐसे बीच पे या फिर कहीं पे भी पिकनिक पे निकल जाते हैं। इन लोगों के लिए यही समर का टाइम ही एक ऐसा टाइम है कि ये लोग पूरा घूम सकते हैं सब जगह। यही सब लाइफ है यूके में। अभी फुल हाइकिंग का मज़ा चल रहा है और हम डल डल डो से निकल चुके हैं और सामने ही हमारे यहाँ पे ललवर्थ क्रोव है। मतलब आपने शायद किसी यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर फोटोज़ में ये बीच तो देखा ही होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस बीच है। ये देखिए तो दोस्तों अभी हम उस पहाड़ी से चल के नीचे उतरे हैं और हम फाइनली पहुंच चुके हैं ललवर्थ। ये पूरा रास्ता है यहाँ पे जाने के लिए ललवर्थ क्रॉप, और यहाँ पे ये सब काफे और ये सब सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट मोस्टली यहाँ पे नॉन वेज ही है, तो मैं हमारे काम का तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बट अभी चलते हैं ललवर्थ क्रॉव में और वहाँ पे भी वो बीच का, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पे भी चल के देखते हैं कि कैसा है बीच। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ललवर्थ क्रॉव।
यहाँ पे थोड़ी स्पेस मुझे वहाँ से कम लगी, बट फिर भी बहुत अच्छी स्पेस है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पूरा लल भटकाओ। यहाँ पे लोग अपना अपनी अपनी बोट्स और वो सब भी लेके आ रहे हैं, तो वो अपनी अपनी बोट्स में भी बोटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे बोटिंग राइड भी लेनी है तो सामने यहाँ पे ये बोट है और वहाँ से आप बोटिंग राइड भी ले सकते हैं। बट ये देखिए पूरा काउ, तो ये पूरा काउड बीच जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा ये काउ बीच होने वाला है। सो ये पूरा यहाँ पे काउ है, सो इट्स अमेजिंग। हमारा यहाँ पे बीच का कार्यक्रम ख़त्म हुआ, अब हम जा रहे हैं, मतलब अभी हमें वापस ऊपर चढ़ना है और वहीं से 15-20 मिनट का और रास्ता है हमारा वेलमाउंथ वेस्ट के लिए। तो देखते हैं अभी शायद वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें फिर रात के लिए कैंप बांधने के लिए जगह भी ढूंढनी है, क्योंकि कैंप लगाने के लिए यहाँ पे अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर आप टेंट नहीं लगा सकते। तो आगे जाके कहीं ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे हम टेंट लगा सकें। वहीं जा रहे हैं एंड ये अभी भी थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन चल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए क्लिफ देखिए, मतलब ऐसे नज़ारे देख के है ना ऐसा लगता है कि क्या बात है। और ये हमारे निर्मल बाबू सो गए। देखिए ये बोट फुला रहे हैं सब लोग, तो अभी क्योंकि ये बोट इन लोगों को लेके जानी है अंदर, तो ऐसे पंप से ये पूरी बोट फुल जाती है। सो सेम मैकेनिज्म है, ऐसा ही हम टेंट लगाने के लिए जो मैट्रेस होती है उसमें यूज़ करते हैं। तो ये देखो पीछे आप देख रहे हैं बोट तैयार हो गई, अभी उसको लेके पानी में जाएंगे ये लोग, मज़े करेंगे अंदर। अगर ऐसी बोट हो ना आपके पास तो मतलब आप बहुत अंदर तक भी जा सकते हैं, ये एक अलग ही मज़ा है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं ऑथेंटिक ब्रिटिश घर देखने के लिए, ये देखिए आप, ये है पूरा का पूरा ऑथेंटिक गांव, मतलब कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत क्या। ये देखिए मतलब कैसे फूल लगाए हुए हैं, ऐसे गांव आपको लंदन में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसे गांव और ये सब देखने हैं ना तो आपको मतलब कंट्री साइड ही आना पड़ेगा। ये देखिए 1 hour later।